महेंद्रगढ़ के एक भी मुद्दे के ऊपर नहीं खड़े हुए। कोई भाई हमने एक फोटो लेकर दिखा दो, कोई एक बयान लेकर दिखा दो, अगर महेंद्रगढ़ की जनता खातर वो खड़े हुए हो। अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है, अंदर जाना है गाड़ी को, देख लो आप भाई साहब, मैं दिखा दूं। अब साइड में लगा दी, उस भाई ने भी कारणवश मतलब घाटी पार करनी नहीं चाहिए। नारियल फोड़ने वाला सीजन तो भाई साहब 12 महीने चलेगा, आप कुछ भी कहो, आने वाला सीजन भी गर्मियों का है। महेंद्रगढ़ की जनता को और माजरा चुंगी के आसपास की जनता को कच्चे नारियलों की हमेशा जरूरत रहती है। मेरी सलाह ये है, वो नारियल फोड़ने की बजाय 10-10 रुपए में जैसे एक गरीब आदमी बेचता है ना, रोड पे तो नेता का टब्बर नारियल फोड़ना सीखा, ऐ सड़क पे नेता टब्बर नारियल फोड़ने से वो उद्घाटन करना सीखा। वो आने वाले समय की प्रैक्टिस चल रही है भाई। यहाँ पर है ना माजरा चुंगी के पास में जो ये अभी आज तो यहाँ पर जो रोड़ियां वगैरह डाल दी गई हैं, ये आप दिखा दो अच्छे तरीके से, वरना यहाँ पर जो घाटी बनी हुई थी उसके लिए आपको माधोगढ़ जाने की जरूरत नहीं थी, इतनी भयंकर घाटी बनी हुई थी। एक कुछ दिन पहले यहाँ पर एक भाइयों ने सांकेतिक धरना भी दिया था, उसमें भी पता कहा गया था कि 5 से 7 दिन में काम शुरू हो जाएगा, अब वो 10 दिन भी हो लिए, भगवान की दया से आज ना जेसीबी फिर चली हुई है यहाँ पर। हम हमारी गाड़ियों को यहाँ से दिल्ली ले जा करके 20 प्रकार हर प्रकार के साधन गुजरते हैं, जनता यहाँ पर जमाती है, और ये प्रशासन वालों ने ना नगर पालिका वालों ने कसम खा रखी है कि हम तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, वो फिर उखड़वाने लग रहे हैं। आज जेसीबी अभी चल रही है और वो जमा जमाया रोड फिर उखाड़ दिया, इतना भयंकर काम कर रखा है यहाँ पर जनता की, ना तो कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है। माजरा चुंगी से लेकर माजरा फाटक तक कब्रो हाल करके डाल रखा है भाई, और यहाँ के जनता ने कसम खा रखी है कि हमने तो दान सिंह और रामविलास मनाना से हम खुद मर जाएगा, उसकी कोई परवाह नहीं है। अब बड़ी मुश्किल थी इतना दिन में ये जनता ने फेर जमाए थे रोड, आज फेर पाड़ दियो, नूना बेरे जो कब चलू है तो कब ना हो। यहाँ के आजू बाजू में जो भी आदमी है दुकानदार है सब ने अपना आप में बिजी सी, कोई आदमी ये चीज नहीं चाहता कि यहाँ पर सुधार हो। नेताओं को तो हम तब देंगे दोष जब हम खुद ये चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले अंकल जी आए हैं कि दुकानदार, हाँ जी अंकल जी बताइए, आप बताओ, हम तो क्या बताओ, हम तो देख रहे हैं सच हो रहे से वो 30-30 दिन आए सिर्फ खड़ा करके चले जाए और भी और लेवल का ढांगते है, मेरे को लेवल कब तक निकलेगा कब तक नया बात कमने नहीं पता। नहीं भाई हमें तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये लेवल कौन सा लेवल रहेगा, ये हमारा लेवल का डिशिंग दुकानदार लेवल का डिशिंग सरकार के कर रही, भगवान ही जाने, समझ में नहीं आ रही हमारा। तो सामने पूछ जा है तुमने किसी एक ही बात, अगर लेवल नहीं निकले हिब्बे सरकार तो आपकी और मारी बनाई से ना जी, उस सरकार ने मारी फिकर को नहीं, तो हमने सरकार की क्या फिकर से नहीं, जो आदमी आई अपने ऊपर बैठा सी मार्ग ने, जो आदमी आई मेरी जनता थी आप थी आप हमारे थी बड़ा हो, एक ही अपील से जो आदमी मार्ग ने वोट का टाइम पर वोट मांगना आवे तो हम उससे हमारा आखातर लड़ तो सका सा, हम उससे सवाल तो पूछ सकते हैं कि भाई आपने हमारे महेंद्रगढ़ के लिए क्या क्या है। सवाल तो कर रहा हूँ तो कन्या कोई बीच के अंदर है, कौन सा गांव आपका? माजरा खुर्द। माजरा खुर्द है तो कितना समय हो गया इस रोड को? करीबन 1 साल से ऊपर, ये पटका था जुलाई के अंदर एक बार पाट दिया थी इनको, सितंबर में दूसरी बार पाट दिया और अब फरवरी के अंदर फिर पाटना शुरू कर दिया इनको भाई। अभी धरना भी हुआ था, धरना हुआ था वहाँ पे। अभी ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है, अंदर जाना है गाड़ी को, देख लो आप भाई साहब, मैं दिखा दूं। अब साइड में लगा दी, उस भाई ने भी कारणवश मतलब घाटी पार करनी नहीं चाहिए, ऐसा जबरदस्त काम है कि बड़ी गाड़ी ले रहे हैं वो भाई साहब और फिर भी उन्होंने गाड़ी को ना साइड में लगाना पड़ गया। अब रोड, अब काम की बात यह है कि रोड है ये पीछे उखाड़ा गया था रोड, लगभग बता रहे हैं कि ये 16 फुट का रोड जब उस वक्त हमारे पास था तो उस रोड को भी तो 16 फुट का बना सकते थे, इतना चौड़ा जो रोड बनाना था ये तोड़ना था, उसकी जरूरत क्या थी भाई? आपके पास रास्ता जो है 16 फुट जितना क्लियर है, आप उस 16 फुट को बना दो ना, आपके पास पेड़ काटने की परमिशन नहीं,
खंभे उखाड़ने की परमिशन है, लोगों के घर तोड़ने की परमिशन है, स्कूल के आगे आपको अव्यवस्था फैलाने की परमिशन है, लेकिन रोड बनाने की परमिशन नहीं है। 16 फुट का ये आम आदमी समझदार है भाई, आप इसमें से जो शुरुआत करते हैं रोड बनाने की, एक आम जनता को सहूलियत देनी थी, तो आप 16 फुट का या 20 फुट का रोड बना देते, बाकी का काम आप बाद में भी पूरा कर सकते थे। लेकिन उसमें बात यही आती है कि जनता परेशान कैसे हो और कितनी ज्यादा हो। आम जनता इस चीज के लिए हमेशा इसी चीज का इंतजार करते कि हमें कोई परेशान करने वाला है। कम से कम भी 10 दिन 20 दिन पहले यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया गया था, ताकि भाई हम इसको 5 दिन, उसमें सैनी जी ने और जेई साहब ने आश्वासन दिया था अगले 5-7 दिन में हम इसको बढ़िया तरीके से काम शुरू करवा देंगे। जेसीबी आज या डेढ़ महीना में देखने में मिली सी भाई, लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके कहने से कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। जहां तक मुझे पता है कि ये अगला बंदा भाई इसको थोड़ा सा उखाड़ेगा और फिर छोड़ के चला जाएगा। समस्या क्रिएट कर देंगे, समस्या खड़ी करनी नहीं, समाधान नहीं करना, समस्या खड़ी करनी नहीं। आपको पता है पूरे महेंद्रगढ़ में समस्या ही समस्या है, और खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला तो डेली बोलते हैं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया। महेंद्रगढ़ के लिए ना किया जी तुमने कुछ भी, और खट्टर खट्टर नहीं, मैं तो पिछली वाली सरकारों को भी यही कहता हूँ, महेंद्रगढ़ के लिए नहीं किया किसी ने कुछ भी। हमारे महेंद्रगढ़ को हमेशा आपने पिछड़ेपन का कलंक दिया है। ऐतिहासिक नगरी महेंद्रगढ़ के स्वागत द्वार लगाए गए पिछले 1 साल पहले, 4 या 5 द्वार लगाए गए, उनका किसी को नहीं पता कितने रुपए में बने। मैंने आरटीआई लगाई नगर पालिका में 3-4 विषयों के ऊपर, उनका जवाब आज तक नहीं आया है। किस चीज की हमें ये सरकार को माने कि भाई ये सुशासन कहते हैं, गुड गवर्नेंस बोलते हैं, ये किस चीज की गुड गवर्नेंस माने हमें। मैंने 4 महीने पहले नहीं, लगभग पिछली साल मार्च में जो खोखा प्रकरण हुआ था 31 मार्च को, उससे पहले 5 मार्च या पता नहीं, मेरे डेट लगभग याद नहीं है, जबकि आरटीआई लगाई हुई है 5 चीजों की नगर पालिका द्वारा, महेंद्रगढ़ के चारों द्वारों पे जो ऐतिहासिक महेंद्रगढ़ नगरी में स्वागत है वो, महेंद्रगढ़ में 5 टॉयलेट बनने थे 11 लाख रुपए की लागत से वो, उसमें घटिया सामग्री का निर्माण हुआ वो भी मैंने दिखाया था मेरी सोशल प्लेटफॉर्म पे। तीसरा ये लगाया था कि जो राव तुलाराम चौक पे बस स्टैंड के सामने और एक कैंची मोड़ के पास बस क्यू शेल्टर बना दिए, वो बस क्यू शेल्टर की जरूरत ही नहीं है महेंद्रगढ़ में, आपके ऑटो है नहीं अच्छे तरीके से, अब वो पता नहीं उखाड़े जाएंगे नहीं उखाड़े जाएंगे, वो रुपए तो वेस्टेज हो लिए। तुलाराम चौक पे वो 4 लेन बनेगा, उस चक्कर में वो उखाड़ने पड़ेंगे। धन्यवाद भाई साहब शमशेर, आपने आज बताया 9 लाख रुपए की लागत है, 9 लाख रुपए में आज एक मध्यम वर्गीय परिवार अपना मकान अच्छी तरह से बना सकता है। गरीब को रहने का घर नहीं है, गरीब को रहने का घर नहीं है, गरीब की हमें मोदी जी की एक बात अच्छी लगती है भाई, मोदी जी लगा लो चाहे खट्टर लगा लो, हमें मोदी जी की एक बात अच्छी लगती है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता आगे भाई हमें काम नहीं दे रखा। भाई गांव वाले आदमी है ना वो फैमिली आईडी में लगा रखे, शहर वाले हैं वो प्रॉपर्टी आईडी में लगा रखे, बालक जो युवा वर्ग है वो भर्तियों से संबंधित लगा रखा या फिर बेरोजगारी में धक्का लगाए खाए के बावड़ा कर रखा। और तीसरा एक आता है कि बुजुर्गों की पेंशन, वो है फैमिली आईडी से रिलेटेड, लेकिन जो गठबंधन सरकार ने सरकार बनने से पहले वादा किया था कि हम आपकी पेंशन 5100 रुपए करेंगे, वो पेंशन आज 2300 रुपए से लगभग 200-250 रुपए बढ़ाकर 2500 मात्र की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई एक बात बताओ, इनको 719 रुपए में 3 महीने का रिचार्ज होता है, इनका 15000 में खर्चा मिलता है इनको महीने का, गाड़ी चलाने के लिए इनको
ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ी और तेल सब कुछ मिलता है। गरीब आदमी को क्यों मार रहे हो? किलोमीटर आम आदमी टैक्सी स्टैंड पे 13 रुपए 15 रुपए के लगभग पर किलोमीटर का चार्ज है भाई। हम लगवा के देंगे, मारती तो आगे गाड़ी चाहिए। 40 रुपए किलोमीटर का जो खर्चा मिलता है, आगे इसी तरह मिलते रहेंगे और बताएंगे आपको हमेशा कि कैसे ये चीज होती गलत हो रही है सरकार में। जनता क्या करे? जनता ये करे कि अपने हकों के लिए सिर्फ बोलना सीख ले। जनता अपने हकों के लिए जागरूक हो, जागरूक हो। जनता अपने हकों के प्रति जागरूक हो। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार और कर्तव्य सब कुछ लिख रखा है। अगर आदमी अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर देगा तो उसको रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। अब आप क्या कहना चाहते, किसकी गलती है ये? जनता की भी गलती है, विधायक की गलती है कि वो आंख मूंद रखी है। विपक्ष का काम है, जनता ने बनाया है तो विपक्ष के नाम पे महेंद्रगढ़ की जनता के लिए खड़े तो हो सकते हैं मुद्दों के ऊपर। जो जो 33,000 वोटों वाले विपक्षी हैं, महेंद्रगढ़ के एक भी मुद्दे के ऊपर नहीं खड़े हुए। कोई भाई हमने एक फोटो लेकर दिखा दो, कोई एक बयान लेकर दिखा दो, अगर भाई महेंद्रगढ़ की जनता खातर वो खड़े हुए हो, 33,000 के बजाय 66,000 कर देंगे। और भी मामले हैं, लड़कियों का मामला उसमें। भाई साहब, लड़कियों वाला मामला कुछ नहीं बता, मैं फिर बताऊंगा कभी समय से बैठेंगे तब। आप ही अगर पूछना है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 51,000 या 65,000 रुपए जो 51,000 देने की घोषणा हुई है, रिटायर्ड SDM की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, DC पोस्ट हो गए थे लेकिन वो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। 65,000 की तनख्वाह में 51,000 रुपए आप दे रहे हो। चरखी दादरी से लेकर महेंद्रगढ़ तक आप आते भी हो, महेंद्रगढ़ ऑफिस का खर्चा चल रहा है, 4-4 वर्कर लग रहे हैं, PA लग रहा है। पूर्व मंत्री बाप बेटे ने इसी सड़क पर गंगा देवी हॉस्पिटल यहाँ पर और यहाँ नारियल फोड़ने वाला सीजन तो भाई साहब 12 महीने चलेगा। आप कुछ भी कहो, आने वाला सीजन भी गर्मियों का है। महेंद्रगढ़ की जनता को और माजरा चुंगी के आसपास की जनता को कच्चे नारियलों की हमेशा जरूरत रहती है। मेरी सलाह ये है, वो नारियल फोड़ने की बजाय 10-10 रुपए में जैसे गरीब आदमी बेचता है ना रोड पे, तो नेता का टब्बर नारियल फोड़ना सीखा। ऐ सड़क पे नेता टब्बर नारियल फोड़ने से वो उद्घाटन करना सीखा। वो आने वाले समय की प्रैक्टिस चल रही है, नहीं तो गंगा देवी पांडे के सामने नारियल नहीं फोड़ा बापू ने, बेटा ने सेलंग रोड पे फोड़ दियो, माजरा चुंगी के ऊपर फोड़ दियो, माजरा चुंगी से लेकर सेलंग वाला रोड का दोनों साइड को रेत हटाए हुए उसे। और ये कही गई थी न्यूज़पेपर में कि 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। रेत हटाने खातर नारियल फोड़ना था तो मैंने बुला लेता, नहीं मैं फोड़ देता नारियल तो बेटा ट्रेंड कर दियो आप, तब मैं नारियल फोड़ दूँ, अगला नारियल फोड़ दो, प्रकरण चल रहा है और कोई सिस्टम नहीं। मेरे ख्याल से नारियल फोड़ने का सीजन, बिकने का सीजन शुरू हो चुका है, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके महेंद्रगढ़ की जनता नारियल खाए, पहले लाके दे फिर खाए, मैं तो इतना ही कहूंगा। और महेंद्रगढ़ की जनता से एक अपील है, अपने हकों के लिए बोलना सीख लो, वरना मुझे ऐसा कहना गलत होगा कि भगत सिंह ने गलत अपनी फांसी की सजा ली, वो हमारे जैसों के लिए फांसी की सजा लेने लायक नहीं थे। माजरा चुंगी को लेकर एक फोटो आपने सोशल मीडिया पर डाली थी जिसमें कुछ इस प्रकार का था कि जैसे कि पहिए खड़े थी आप नहीं खड़ी, क्या विषय था बताइए भाई? जैसे कि आप देख रहे हो इस रोड के हालात खस्ता, किस तरह के हालात हैं, सरकारें आती रही जाती रही पर रोड का बुरा से बुरा हाल आता गया। नारियल फूटते गए, नारियल कट्टे स्पेशल गाड़ियों में रख रखे नेताओं ने, जहां मन में आया वहां नारियल फोड़ दिया, रोडों का निर्माण नहीं है। इस रोड पे पिछले 15 दिन पहले भी नारियल फूटा था, 2 दिन का आश्वासन देके गए थे कि भाई 2 दिन के बाद मशीनें आएंगी, रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा। उसी 2 दिन के जैसे ही नारियल फोड़ गए थे, उसके 2 दिन बाद ही एक भयंकर एक्सीडेंट या इसी रोड पे हुआ, उसमें एक आदमी एक महिला की मृत्यु भी हुई, घायल भी हुए, उनका जिम्मेवार कौन है? अब सरकारें तो कह देंगी, नेता कह देंगे हमने रोड बनवाया है, जो नहीं बनवा पाई वो भी तो उन्हीं की कमियाँ थी। तो मैं तो चाहता हूं जो लोग मरे हैं, जो घायल हुए हैं, उन पे जो होते हैं, जो यहाँ के नेता जिन अधिकारियों जिनके कारण ये लोगों का मृत्यु हुई, यहाँ के लोगों को जो परेशानी हो रही है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए जब तक इस रोड का समाधान नहीं होता।